होबा के बाद सीएम योगी ने चित्रकूट का दौरा किया। चित्रकूट में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रसिन में सीएम ने दो सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रसिन बांध का लोकार्पण करने के बाद सेल्फी भी ली और इसके बाद मंच पर पहुंचते ही जनता ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया तो मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सिंचाई परियोजना क्षेत्र के 17 गांव में 3,635 किसानों को 2,290 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके अलावा एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से तमाम बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं संचालित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 7 मिनट तक अपने संबोधन में बुंदेलखंड के विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताया। कई परियोजनाएं शुरू करके अब तक असिंचित बुंदेलखंड को सिंचित बनाने को लेकर सरकार के प्रयास का बखान किया। तो सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रसिन में सीएम ने दो सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बांध का लोकार्पण करने के बाद सेल्फी भी वो लेते नजर आए। ये उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बुंदेलखंड के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और इसी दौरान उन्होंने सेल्फी भी ली। रसिन बांध का लोकार्पण करने के लिए वो पहुंचे थे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। कई परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो चित्रकूट को सीएम योगी की तरफ से बड़ी सौगात दी है, लेकिन खुशी इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि जब उन्होंने रसिन बांध का लोकार्पण किया तो उसके बाद वो सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। इसके बाद जनता ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। लोकार्पण के बाद सीएम की तरफ से सेल्फी भी ली गई। तो सिंचाई परियोजना क्षेत्र के 17 गांव में 3,635 किसानों को 2,290 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी वजह से तमाम जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। प्रधानमंत्री जी के अनुपम का मार्गदर्शन